हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक पावर प्लांट में जो कंप्रेसर, ब्लोअर और फैन यूज होता है, ये सारे इक्विपमेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी कि एक कंप्रेसर, एक ब्लोअर और एक फैन, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यानी कि कौन सा इक्विपमेंट को आप कंप्रेसर कहेंगे, किसको आप ब्लोअर कहेंगे और किसको आप फैंस कहेंगे। तो कौन सा पैरामीटर है जिसको कंसीडर करके हम ये तीनों इक्विपमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस वीडियो में इसका ऊपर हम लोगों डिटेल्स में जानेंगे। तो इसका ऊपर पूरा जानकारी पाने के लिए अब वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक इंडस्ट्री में जो फैंस, ब्लोअर और फैंस, ये तीनों इक्विपमेंट यूज होता है, ये तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बेसिक चीज़ को कंसिडर किया जाता है। वो बेसिक चीज है स्पेसिफिक रेशियो। ओके, क्या है ना? स्पेसिफिक रेशियो। स्पेसिफिक रेशियो क्या है ना? स्पेसिफिक रेशियो हो गया डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर। ओके, डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर, या फिर हम इसको इनलेट प्रेशर कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपका? जनरली जो तीनों इक्विपमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, फैंस, कंप्रेसर और ब्लोअर, इसमें क्या होता है ना, एक सक्शन रहता है, ओके, और एक डिस्चार्ज रहता है, एक डिस्चार्ज रहता है। तो डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर, इसका रेशियो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेशियो। और वो स्पेसिफिक रेशियो को लेके हम डिफरेंशिएट करते हैं ये तीनों इक्विपमेंट को। ओके, तो पहला हम जानेंगे कि स्पेसिफिक रेशियो कितना रहने से आप इक्विपमेंट को फैन कहेंगे। ओके, तो जनरली यदि स्पेसिफिक रेशियो 1.1 रहेगा, तो उस कंडीशन में उस इक्विपमेंट को हम क्या कहेंगे? फैंस कहेंगे। ओके, तो फैंस का कंडीशन में जो स्पेसिफिक रेशियो है वो अप टू 1.1 तक होता है। ओके, उसके साथ साथ उसका जो और दूसरा एक टर्म है कि उसका जो प्रेशराइजिंग कैपेसिटी है वो 1136 mm WC। ओके, यानी कि फैंस जो है ये इतना तक प्रेशराइज कर सकता है। ओके, कितना तक ना? 1136 mm WC तक। ओके, मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। अभी दूसरा देखेंगे कि ब्लोअर का स्पेसिफिक रेशियो कितना होगा, यानी कि कितना स्पेसिफिक रेशियो होने से हम उस इक्विपमेंट को ब्लोअर कहेंगे। ब्लोअर का केस में जो स्पेसिफिक रेशियो है वो 1.1 से लेके 1.2 तक, यानी कि यदि इस बीच, यानी कि इसके अंदर में यदि स्पेसिफिक रेशियो आएगा तो हम उस इक्विपमेंट को क्या कहेंगे? ब्लोअर कहेंगे। क्लियर हो गया?
अभी इसका प्रेशराइजिंग है आपका, जो ब्लोअर का प्रेशराइजिंग कितना करेगा ये ना 11 36 to 256 mmWc। ओके, और ये जो प्रेशराइज करेगा कितना तक ना 11 36 to 256 तक। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि कंप्रेशर का जो स्पेसिफिक रेशियो है कितना रहेगा, यानी कि स्पेसिफिक रेशियो कितना होने से हम उसको कंप्रेसर कहेंगे। कंप्रेशर का स्पेसिफिक रेशियो कितना तक होता है ना, इसका रहेगा मोर देन 1.2। ओके, 1.2 से ऊपर तक स्पेसिफिक रेशियो रहने से हम उसको कंप्रेसर कहेंगे। क्लियर हो गया कंप्रेसर किसको कहेंगे। अभी एक एग्जांपल लेकर कंप्रेसर का मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एक कंप्रेसर है जिसका सक्शन में है 1.2 केजी पर सीएम स्क्वायर और डिस्चार्ज में है, डिस्चार्ज में कितना हो गया मान लीजिए 6.5 केजी पर सीएम स्क्वायर, तो इसका स्पेसिफिक रेशियो कितना होगा ना 6.5 डिवाइडेड बाय 1.2। ओके, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जितना लिख लेगा वो होगा उसका स्पेसिफिक रेशियो। अभी हम बात करेंगे कंप्रेसर का जो प्रेशराइज कितना तक कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कंप्रेसर का कैपेसिटी का ऊपर।